वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यार सबसे पहले आप सभी लोगों को भाई दिल से थैंक्स यार, आप लोगों ने 0 से लेकर 10K का सफर तय किया मेरे साथ। आप लोगों के सपोर्ट से और प्यार से इतने जल्दी अपन लोगों के 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। और आप लोगों ने मुझे कभी भी हेट नहीं दिया और ना ही मुझे कभी डिमोटिवेट किया। तो यार इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी लोगों को यार दिल से थैंक्स भाई। तो यार अब बात करते हैं, मैंने 0 से लेकर 10K सब्सक्राइबर कैसे किए, किस मुसीबत में किए, क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो यार इस वाली वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यार भाइयों सबसे पहली बात करते हैं, मैंने गेम स्टार्ट कैसे किया, कब किया। तो यार भाइयों आज से 3 या 4 साल पहले जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था, तो यार हमारे गाँव का माहौल उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई लिखाई के लिए। तो यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और मैं अपने गाँव से थोड़ी दूर अपने रिलेशन वालों के साथ में रहने लगा। तो यार वहाँ पर पढ़ाई का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा था। तो यार भाइयों मैं जिनके साथ बाहर रहता था, मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने एक दिन अपने मोबाइल में गेम डाउनलोड कर लिया जिसका नाम फ्री फायर। और ये बात आज से 3 या 4 साल पहले की है, जब फ्री फायर का ज्यादा क्रेज नहीं था, फ्री फायर को अच्छी तरह मैं नहीं जानता था। और जो मेरे भाई साहब थे वो थोड़े बहुत टाइम पास करने के लिए फ्री फायर गेम को खेलते थे और उनको खेलते हुए मैं उनको देखा करता था। जब यार गेम प्ले किसी का भी ज्यादा अच्छा नहीं था तो अपने भाई साहब के साथ साथ मैं भी एक आध दो बाजी खेल लिया करता था फ्री फायर की। तो यार मैं पढ़ाई करने के लिए अपने घर से 2-3 साल बाहर रहा और वहीं से मेरी फ्री फायर गेम की स्टार्टिंग हुई। जैसे ही मेरा क्लास 8 कंप्लीट हुआ तो फिर मैं अपने गाँव से दूसरे वाले शहर में पढ़ने जाने लगा, तो फिर मैं घर पर ही रहने लगा था। सेकंड पॉइंट आता है, मैंने यूट्यूब स्टार्ट कैसे किया, कब किया। तो यार आज से 2 साल पहले मेरे घर में एक मोबाइल था 2GB RAM का Redmi 7A जो कि 7-8 हज़ार रुपए का आता है। उसी पर मैंने गेम डाउनलोड किया और उसी पर अपनी यूट्यूब चैनल बनाई। मेरा यूट्यूब चैनल पर स्टार्टिंग था, मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं फ्री फायर गेम जब भी खेलता था अपनी गेम की रिकॉर्डिंग कर लेता था और यूट्यूब पर डाल देता था। पहले मुझे भी पता नहीं था वीडियो में व्यूज कैसे आते हैं, क्या करना पड़ता है और वीडियो में व्यूज आने से होता क्या है, सब्सक्राइबर बढ़ाने से क्या होता है। बस एक अंदर से रुचि थी यूट्यूब पर वीडियो डालने की और मुझे कभी नहीं लगता था कि आगे चलकर मेरे 10K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होंगे कभी। तो यार उस मोबाइल से मैंने वीडियो डाल के 100-150 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे और इतने सारे वीडियो डालने के बाद मेरे सब्सक्राइबर हुए थे 200-300। और कुछ दिनों बाद वो वाला मोबाइल फूट गया। तो फिर 1-2 महीने का गैप लेने के बाद मेरे भाई ने एक नया मोबाइल खरीदा, Realme 5i, 4/64 RAM है उसका। और मुझे अपनी Gmail ID पासवर्ड याद थी तो मैंने उसमें अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन कर लिया। और मेरे भाई ने वो वाला मोबाइल लिया था ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमने तो भैया तुरंत गेम डाउनलोड कर लिया और उस मोबाइल से भी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालने लगा। मैं धीरे धीरे एक दो वीडियो कर करके मैंने 1 साल में 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन धोखे से मेरे से वो वाला मोबाइल गिर जाता है, उसका डिस्प्ले चला जाता है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे भाई ने उस मोबाइल का डिस्प्ले बदलवा लिया। अब यार मेरे हाथ से मोबाइल फूट गया था तो भाई ने मेरे को मोबाइल ही नहीं दिया। हाँ थोड़ा बहुत गेम चला लेता था पर यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाता था और 1-2 महीने तक मैंने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं डाले। अब यार मुझे लग गई थी गेम की लत, तो मैंने घर वालों से बहुत बोला मेरे को भी एक नया मोबाइल दिलाओ, मेरे को भी एक नया मोबाइल दिलाओ। तो मेरे घर वालों ने कहा जब तू क्लास 10th में आ जाएगा तभी तुझे नया मोबाइल दिलाया जाएगा। लेकिन मैं क्लास 10th में भी आ गया था, लेकिन फिर भी 6 महीने तक मेरे घर वालों ने मुझे कोई मोबाइल ही नहीं दिलाया। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी बहुत चालाकी करके अपने भाई के मोबाइल से गेम खेल लेता था और यूट्यूब पर वीडियो डाल देता था। और फाइनली एक दिन ऐसा आया जिस दिन मेरे घर वालों ने मेरे को नया मोबाइल दिला दिया। और जो मैंने न्यू मोबाइल लिया था वो है Poco M4 Pro, उसी से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं यूट्यूब पर अपने गेम प्ले वाली वीडियोस डाला करता था, लेकिन उन वीडियोस में मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तभी मैंने सोचा भाई मैंने इतना महंगा मोबाइल लिया है तो क्यों ना अपने वॉइस के साथ वीडियो बनाया जाए। तो यार मैंने अपने वॉइस के साथ वीडियो बनाया और मेरे फर्स्ट वॉइस वाली वीडियो में 3,000 से भी ज्यादा व्यूज आए। तो यार उस दिन से मैंने अपने वॉइस वाली वीडियो बनाना चालू कर दी और मैं पर डे एक वीडियो जगह 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो अपलोड करने लगा। और धीरे धीरे करके आज मैंने 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे को इतना ज्यादा प्यार इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कि ओनली 1 महीने के अंदर अपन लोगों ने 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। तो यार मैं अपने सब्सक्राइबर से एक बार नहीं 10-10 बार बोलूंगा आप सभी लोगों को दिल से थैंक्स। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ही सपोर्ट आगे भी बनाए रखेंगे। तो भाइयों फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।